आज हम स्कूटी रेंट करेंगे, पूरा आज शहर घूमेंगे। कौन सी लेनी है? रेड ब्लैक। मैं बाप हूं। हां, मेरे से स्टार्ट ही नहीं हो रही। या आई कैन, आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट इट। स्पेशल एक मार्केट है जहां पे प्रॉपर स्ट्रीट फूड लगा हुआ है। देखो, व्हिच इज मीन इज दिस फूड इज हलाल? हमारा कार्ड है वो चल नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैश एक्सेप्ट हो रहा है। चलो, ये ऑटोमेटिक भी नहीं है, चाबी से भी नहीं चल रही है, पता नहीं क्या मसला है। पैदल लेके जा रहे हैं अभी स्कूटी। ज्यादा तो होगी स्कूटी, आसानी के लिए ले गया है, तो ज्यादा होगी। हाँ, अभी इस वक्त, क्योंकि सारा दिन मैं करती रही हूँ रेस्ट। हस्बैंड साहब मेरे काम करते रहे हैं, क्योंकि वो गए हुए थे बाजार से, मार्केट से सामान वगैरह लेने, नाश्ते का अरेंजमेंट करने। क्योंकि आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा कि हम लोग आइलैंड घूमने गए हुए थे जेम्स बॉन्ड, और हमने आज जाना था फीफी आइलैंड। ठीक है, तो वो फीफी आइलैंड आज मेरी वजह से नहीं जा सके, क्योंकि मैं लेट सो के उठी थी। खैर, आज हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे। क्या करने वाले? अरे मेरा यू, ओए होए होए, इतना ऊंचा तुमने अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कहा ना, लोग नीचे सारे डर गए होंगे। नीचे है भी कुछ इंडियंस स्विमिंग कर रहे हैं, और मैं सुन रही हूँ उनकी आवाज, मुझे आ रही है कि यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ से ऐसे फोटो बनाए। मैंने कहा मेरी आवाज भी सुन रहे होंगे, हो सकता है जाके एस्ट्रोलॉजी सर्च करें। आज हमने बड़े मजे का नाश्ता किया है, ये दिख रहा है आपको हमारा मजे का नाश्ता, दोनों ने खत्म खलास किया। जैसा मैंने बनाया ना, ये मुझे पता है, ये जैसा अरीब ने बनाया ना, ये आपको अरीब के ब्लॉग में जाके पता चलेगा। अरीब कैसे खरीद के लाए, कैसे जाके इसने बनाया है। बड़े मजे से ब्लॉगिंग कर रहा था, मैं रेस्ट कर रही थी, सोई हुई थी, बोर हो रहा था, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन तो सोचा कि व्लॉगिंग करता हूं। अभी चलते हैं। मैंने आज प्लान बनाया, ठीक है, आज हम स्कूटी रेंट करेंगे। पता लगा यहाँ से स्कूटी मिलती है, और हम पूरा आज शहर घूमेंगे फोकेट। ठीक है, आज हम शहर घूमेंगे फोकेट, वो भी स्कूटी पे। तो चलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक दिन थाईलैंड में थाई लोगों की तरह जी के देखते हैं। हाय हाय, हम लोग रेडी शेडी होके अब लगे हैं निकलने, जाके देखते हैं स्कूटी मिलती है या नहीं मिलती, या सिर्फ सड़कों पे पैदल घूम के आते हैं। पता नहीं कितने की मिलती, कितने पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, ये भी देखना है। अच्छा, स्कूटी वैसे आपको नहीं आती है, पता है, जेट स्की चलाना करना। जिसको बाइक चलानी आती है वही यही चीज है, और क्या है। अच्छी नहीं चलाई थी मैंने, बहुत अच्छी चलाई थी, मजा क्या क्यों रही वैसे। मैं तो तंग कर रही हूँ, जेट स्की अच्छी नहीं चलाई थी मैंने, साथ ही ऑफेंड हो जाता है भाई, मेरी बंदी को चीज नहीं पसंद आई। पाकिस्तान सर्दी में बैठा हुआ, और यहाँ पे हम गर्मी जो है। हाँ, हम सही गर्मी जो है। मम्मा की कॉल आई, तो मम्मा वाज लाइक कि शहद ले जाती, गला खराब हुआ है, यहाँ पे तो बहुत ठंड पड़ रही है एंड ऑल। लेकिन क्या बताएं उनको, हम भी मस्तियाँ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग आ गए यहाँ स्कूटी के इंतजार में, और इस लड़के को ये नहीं पता कि वो कह रहे हैं सिर्फ नहीं, वो मान ही नहीं, कह रही ओनली कैश। चलो, अब कैश तो हमारे पास है नहीं है, एटीएम में कार्ड फंसा दिया ना निकला तो। तो अभी क्या करें, पैदल चलें, मार्केट तक चलें, बाहर बाहर इनकी चिंची रिक्शे रुक्शे नहीं मिलते। आई वांट टू ट्रैवल के उस पे ऐसी कोई जगह, लेकिन वो भी कैश मांगेंगे, चिंची रिक्शे सारे कैश मांगेंगे, कार्ड किसी के पास वही चलता है यहाँ पे। अभी हम लोगों ने सोचा था कि होटल के यहाँ लोबी से हम लोगों को मिल जाती स्कूटी आराम से, तो वो नहीं हुआ पॉसिबल, क्योंकि मिल तो रही है लेकिन वो कैश मांग रहे हैं। अब कैश कहाँ से लेके आए, कैश निकलवाना चाहिए हमें, गलती करते हैं हम। हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता थाईलैंड। ये स्कूटी खड़ी हुई है, इनमें से एक नली थी मैं। ये वाली ये दिखाता हूँ। अरे भी एक एक तो वो होती है ना जो पैरों वाली स्कूटी होती है, ये स्कूटी भी पैरों वाली होती है, सारी पैरों वाली होती है। नहीं नहीं, वो जैसे जो सैनब के पास है गुर गुर वाली, वो एक से एक मिलने दी। ये कितनी हैवी है, अरे हैवी भाई यार। अरे मैंने बैठना ये, चलो बाइक देख चेक करते हैं। चलो, स्कूटी मिले या ना मिले, मुझे तो भाई मेरे मतलब की दुकान मिल गई है, मैं तो जा रही हूँ भाई अंदर से कोई चीजें वीजे चेक करने के लिए। अरे आप अपने लिए यहाँ पे से शर्ट्स देख लेना। अच्छा, देखते पहले जो काम है वो तो कर ले स्कूटी वाला। कपड़ों वाली मार्केट से मैं निकल आई हूँ, अरीब साहब लगे हुए यहाँ पे चेक करने के लिए। क्या प्लान बना है भाई, कौन सी लेनी है? रेड ब्लैक। यस, ये मेरे घर से, घर की याद दिला रही, मेरा घर भी ऐसा ही है ना। हाँ बिल्कुल है, यही कलर। तो फिर अरीब कहाँ से लेंगे, अभी चेक करते हैं। हाउ मच फॉर दिस? 3,600 एक दिन का। 3,600 एक दिन का। वैसे हमें फिर सुबह के टाइम लेनी चाहिए, पूरा दिन बंदा स्कूटी में घूमता है। बस अभी रात में घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, ये लेने लगा हूं मैं। ये लेने लगे हैं, चलेगा। मुझे अच्छी लगी है। इनकी तो कुछ भी समझ नहीं आती क्या कह रही है, पेट्रोल है कि नहीं, अभी जो रास्ते में धक्का लगा रहे हैं। हाँ, कोई पता नहीं है अब क्या बना, क्या कह रही है अभी। लाइसेंस है कि नहीं, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो 1,000 बात होगा फाइन। अल्लाह, तो आपके पास है? नहीं, मैं यहाँ पे कहाँ लेके आता।
या अल्लाह मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं है यार, मैं तो इतनी प्रो ड्राइवर हूँ अपने मुल्क में, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को तो पता है ना। तो अब यही करते हैं, रिस्क लेते हैं, हल्का हल्का चलाते रहेंगे, पुलिस आके भाग जाएंगे। हाँ ठीक है। क्या हुआ है, क्यों लड़ रही है आपसे? लड़ी जा रही है। कौन सी? वो वाली, वो बारीक सी, उसको तो हैवी बाइक देना। ये क्या है? हां तो ये वही लेंगे ना। अरे मैं कब से कब तक मिल रही है? एक दिन के लिए प्रॉपर, मतलब 24 आवर्स के लिए प्रॉपर। अगर आज लेंगे तो हम वापस कब करेंगे? कल। कल लेकिन हम जल्दी कर देंगे सुबह। ये बाजी ने हमें हेलमेट ला दिए हैं। कैन आई हैव रेड हेलमेट? डू यू हैव एनी रेड? रेड आई वांट रेड रेड हेलमेट प्लीज। हमें ग्रे वाली स्कूटी मिल गई है आपके लिए। ले लिया नहीं है, हैवी बाइक स्कूटी है। हैवी बाइक स्कूटी है और साथ में आप अरीब इसमें से चूज कर लो ना, मैं बीच में से फिर दूसरा देख लूँ। हाँ ये रेड कलर एक ही मिला मुझे, क्या करूँ? ले लूँ? आप तो सही लग रहे हो यार, बढ़िया। अब मैं पहनती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या आप तैयार हैं? दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ ट्रैफिक हर जगह है। वो देखो यार रीवा कहाँ जाए जा रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, लेके कहाँ जा रहे हो? ये अंडे वाले बर्गर तो वहाँ से भी मिल जाते जहाँ मुझे ले आए हो। देखो किस तरह की रोड है यहाँ पे, इसी तरह की सेम हमारे मुल्क की तरह से मार्केट बनी हुई है, फ्रूट मार्ट है, रेड़ियाँ शेड़ियाँ भी लगी होती है, इतनी सारी स्कूटी। ओ माय, बार-बार शो मिल गई। मिल गई? चले तो मैं कहाँ जाऊँगी बाइक चला के? चलाएंगे। ओके डन। अब हम जा रहे हैं भाई स्ट्रेट, कहीं पे निकलते हैं। यहाँ पे स्कूटीज रेंट भी होती हैं और लोग देखें यहाँ का जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे मोस्टली यूज ही ये होती है। गाड़ियाँ नहीं है, इतनी महंगी गाड़ियाँ नहीं है। हाँ मैंने यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम देखी है, टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं ना, तो मेरे ख्याल से सारे स्कूटी रेंट करते हैं। यहाँ के रहने वाले जो लोकल लोग हैं वो लोग भी आंटियाँ भी इतनी सारी स्कूटी चलाती होती हैं। पेट्रोल पम्प भी गाइस हमारे जैसा सेम, देखो ज़रा बस नाम चेंज है। गाइस आपको दिखाती हूँ फैट मम्मा बर्गर, इसके ऊपर लिखा है मोटी अम्मी का बर्गर। यहाँ पे हमें मिला है इनकी स्पेशल एक मार्केट है जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रीट फूड लगा हुआ है। देखो ऐसा लग रहा है मेला लगा हुआ है प्रॉपर। अरे मुर्गी बनी हुई, इट्स मीन कि यहाँ मुर्गा होगा, चिकन होगा। चिकन होगा लेकिन हलाल है कि नहीं है ये मतलब। उतरो ये गाइस चेक करें, ये इनका बाजार है जहाँ पे चहल पहल जारी है, हर बंदा आ रहा है, खा रहा है, शॉपिंग कर रहा है। यहाँ पे ना आइसक्रीम में टॉपिंग शॉपिंग भी डलती है, ये चेक करो जरा। टॉपिंग में ये सीड्स है, मलंगा है, अनार भी है। यहाँ पे फ्रोजन वो बन रही है यहाँ पे, फ्रोजन वाली खाएंगे। ठीक है, हलाल फूड ट्राई करेंगे हम। हाँ हलाल मिल गया ना हमको, फ्रूट फ्रूट ही खाई जाना, बताओ कुछ भी खाना। सुबह भी हमने सिर्फ वो ही खाई हुई। हाँ तो हाँ वो तो आपने जितनी स्पेशल रेसिपीज मुझे बना के दी थी वही खाई हुई हमने। हमें फाइनली सी फूड मिला है, ये सुशी एंड ये सब चीजें, लेकिन हम लोग खाते ही नहीं भाई। हाँ हम में से कोई खाता ही नहीं है यार। अरीब फ्राइड चिकन मिला हम लोगों को बहुत मजे का, साथ में वो हनी चिकन विंग्स हैं, इनसे ले लें। ये तो आलू हैं, आलू आलू लाल, आलू हलाल। हाँ आलू भी कैन हम ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो। मसला ये है कि ये जिस ऑयल में बने हुए हैं वो पता नहीं उसमें ऑयल में क्या क्या तला हो, यही मसला है। खाने को तो अभी तक हमें नहीं मिला, फिर के थक गए हैं। लेकिन मैंने और अरीब ने सोचा कि हम लोग ना अब थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं यहाँ से, कुछ अरीब के लिए शर्ट्स वगैरह ले लेते हैं पहले। मैं कह रहा हूँ कि ना पहले ना वहाँ पे देखते थे स्टॉल्स पे। ठीक है, ये मुझे वो सेम चीज ही लग रही है जो हमने वहाँ देखी है, वहीं अगर नहीं समझ आई तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे। चलो ठीक है, आज आइसक्रीम लेते हैं साथ शॉपिंग करते हैं। चलो डन। ओके
आइसक्रीम लेने जा रहे हैं हम लोग, वही कोकोनट वाली यम्मी। वन आइसक्रीम विद टॉपिंग। क्या हुआ यहाँ पे तो कार्ड नहीं चल रहा, अब क्या करें? करीब क्या करें, वी डोंट हैव कैश, कैन वी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, उनसे पूछ लें और हमें वो कैश दे दें। हमारे पास बैंक अकाउंट है नहीं। अच्छा थाए पे ट्रांसफर, तो अरे यहाँ पे हम स्टॉल से कैसे शॉपिंग करेंगे? किसी के पास होगा पता करते हैं, जाके देखते हैं। हमारे साथ कुछ यूँ हुआ है कि जो हमारा कार्ड है वो चल नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैश एक्सेप्ट हो रहा है और हमारे पास जो है वो बार्टर नहीं है, बाटी होता है ना, बाटर नहीं है हमारे पास। और हमारी स्कूटी भाई जिंदाबाद जो हमें लेके जाने वाली है वहाँ पे जहाँ पे कार्ड चल जाए, वो बैठते हैं वहाँ पे स्कूटी, कुछ जगह कोई मिल ही जाएगी। यहाँ पे तो फायदा ही नहीं है, ना कुछ चल रहा है, ना कुछ खा पा रहे हैं, ना कुछ ले पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना शॉपिंग कर पा रहे हैं, चीजें भी पसंद आ रही हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं पैसा पैसा। अरीब पूछ रख के पूछ रहे हैं कि चलेगा कैसे। अरीब चल गई है? नहीं पता चल रहा। चलो ये ऑटो में ऑटोमेटिक भी नहीं है, चाबी से भी नहीं चल रही है, पता नहीं क्या मसला है यार। बीच रास्ते एक दो आज के दिन बाद अजीब चल रहा है, पहले कार्ड नहीं चल रहा, कैश हमारे पास है नहीं है, और जो स्कूटी है वो भी नहीं चल रही है। अरीब जितना इन आंटी का बैग है ना, अल्लाह अल्लाह बैग हम जाएंगे कैसे, कैसे जाना है अरीब, फसा डाला आपने यार, इसको पैदल लेके चलना पड़ेगा। और अरीब हम पैदल इतना नहीं चल सकते, ये तो हम बहुत ज्यादा घुमा के लाए, चौकी मारे थे, हमारे पास स्कूटी है, दूसरी जगह चले जाएंगे। हाँ स्कूटी में कोई मसला, स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्या हुआ अरीब? आओ पैदल चले। पैदल नहीं अरीब, मेरे से नहीं पैदल जाया जाना, अरीब एक बार लास्ट ट्राई करें ना, लोगों को समझ आ रही है ना, मुझे समझ आ रही है, नहीं चल रही, एक दफा लास्ट ट्राई कर लो, किसी दुकान पे लेके जाना पड़ेगी जो स्कूटी वाली होती है, यहाँ पे मैंने देखी थी, यहाँ पे जाना पड़ेगा, अगर है आसपास तो चलते हैं, पैदल लेके जा रहे हैं, स्कूटी आसानी के लिए लेके आए थे, ज्यादा होगी। हाँ एक वजन एक्स्ट्रा उठाना पड़ा है, ट्राई करो एक बारी, एक दफा करें तो सही, हो सकता है कभी कभी खोटा सिक्का चल जाता है। मेरी बात सुने, अगर उधर स्कूटी वाले ने पैसे वो कार्ड ना चल रहा होगा कैश मांगे, फिर क्या करोगे? फिर ऐसे ही रेड़ते रेड़ते लेके जाएंगे, रेड़ते रेड़ते यार, ना तो ना इतना रेड़े, ट्राई करें। देखो ये कार्ड बटन है, ओके नहीं हो रही, करो तो सही यार, ब्रेक दबा के करूं? हाँ करो करो, ओए ओए है, हो गया ब्रेक दबा के करनी थी स्टार्ट। या अल्लाह ये लड़का, घंटे से हम लोग इस चीज में जलील हो रहे हैं, ब्रेक दबा के करनी थी जिंदगी में, आप सब लोग भी याद रख ले, ब्रेक दबा के करनी थी, ब्रेक दबाई थी लेकिन ब्रेक दो भी दबानी थी। ओह माय गॉड, अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह बड़ी जलालत से बच गए, अल्हम्दुलिल्लाह, मच्छर काटने लग गए थे अच्छी बात से, अच्छे खासे, क्योंकि बैठे हम फुटपाथ पे हुए यार, तो हो गई धक्के मार मार के, इतनी जलालत ना जिंदगी में कभी बाप ने मेरा खास अपने मुल्क में भी नहीं निकाली, होती है लेकिन वहाँ पे आपको पता होता है, पैसे भी होते हैं आप लोग। चलें जी, फाइनली एक जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे जो है ना वो कपड़े शपड़े लगे हुए हैं, अरीब कपड़े शपड़े लगे हुए हैं, और जहाँ कार्ड भी एक्सेप्ट हो रहा है, चलें यहाँ से ले लेना कोई नहीं, क्या मैंने जिंदगी में ऐसे कपड़े नहीं पहने, तो पहन लेना थाईलैंड की वो चीजें पहन लेना, एक शर्ट अपने मुताबिक अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो, मेरी शर्ट मैच होएगी तो अरीब के साथ शॉपिंग हो जाएगी, तब तक मैं भी अपनी शॉपिंग वॉपिंग करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, लेट्स गो। अरीब साहब को एक शर्ट पसंद आई है, रुके पहन के ट्राई कर रहे हैं, खुली है, उनसे पूछ लेना साइज है, करो जी मैच। मैंने आपको यहाँ से ना पहले एक शर्ट दिखाई थी, कौन सी थी वो? ये मैचिंग जो है ना, ये कहीं पे सांस नहीं लेने देती, सांस आपको आ रही है लेने में नहीं देती, वाह वाह वाह, ये ठीक है बिल्कुल सही है, देखो साइज भी आपके नाम ट्रॉपिकल है, पाइनएप्पल, बस मैं नहीं पहनी कभी जिंदगी में ऐसी शर्ट, अगर नहीं पहनी तो लेट्स ट्राई न्यू थिंग, मैंने ऐसे कपड़े कभी, मैंने इस तरह की शर्ट नहीं पहनी कभी, बट इट्स लिखा हुआ ऊपर मेड इन थाईलैंड, अपनी मर्जी से एक ले लो जो लेनी है बस, मुश्किल में डाल देते हैं मुझे इस तरह करके। मरमर के एक शर्ट पसंद आई है, ठीक है व्हाइट वाली, मैचिंग की है, उसमें अरीब साहब का साइज ही नहीं मिल रहा, मतलब बहुत खुली है, मुझे तो ये पसंद आई थी, हाँ ये प्यारी है, इसमें भी नहीं है ना साइज, नहीं 50 है, फाइनली अरीब का साइज और अरीब की पसंद एक ही शर्ट में मिल चुकी है हमको, वाह वाह वाह, हाँ पहन के प्यारे लगोगे, फिर क्रेडिट इकरा को ही देना, ठीक है चलें, अब ये दो ले लिया और कुछ मिला नहीं, ना वैरायटी थी इतनी, अब कहीं और चलते हैं।
वैरायटी नहीं थी, अब जहाँ वैरायटी है वहाँ पे चलते हैं। लेट्स होती पता नहीं खुला हुआ कि नहीं, वो कह रही 11:30 खत्म हो जाता है सब कुछ, और अभी 11:15 हो गए, मुश्किल ही है कि कुछ खुला हो। Have you ever heard of Pakistan? I know Pakistan. You know Pakistan? We are from Pakistan. We are YouTubers from Pakistan. Say hi to my subscribers. Hello. इतनी देर की जिनकी दुकान खुली थी भाई, वो इन्हीं की थी। She's so sweet. अब जो है जिन्होंने हमारे लिए इतना इंतजार किया, तो अब हम लोग बस चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। शॉपिंग हमारी हो गई है, दो चीजें ली हैं, और हम ऐसे कहने शॉपिंग होगी जैसे मैंने 500 शर्ट्स ले ली हैं, 600 जुराबे ले लिए हैं। ये देखो तुम्हारे लिए स्पेशल डिश मैंने मंगवाया लगा। बस करते नहीं, मैंने नहीं, मुर्गी के पंजे हैं ये। बड़े लोग यहाँ पे बड़े शौक से खाते हैं, मुझे लग रहा है। चले जी, अब हम लोग निकलने लगे हैं। हो सकता है कोई और कार्ड वाली दुकान खुली हो, रास्ते में नजर आ गया तो आ गया, आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर स्कूटी पे बड़ा मजा आया। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। अरे वरी 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 पीछे चलना, पीछे शुआरमा नजर आया यार। तुम कितने शुआरमे खाए तुमने? अरे प्लीज, बड़ी मुश्किल से थाईलैंड में शुआरमा नजर आया, वो भी टर्किश। फाइनली मैं इतना खुश हूँ कि शुआरमा नजर आ गया। साथ टर्किश भाई साहब ने हमारा इस्तकबाल किया है सर, ये क्या कपड़े पहने हुए हैं, माशाल्लाह वेरी नाइस। अरीब हमसे ज्यादा अच्छे कपड़े तो इसने पहने हुए हैं। हलाल है ये? चलें डन है, हलाल ही ऑब्वियसली क्योंकि टर्किश है ना बेबी। हा चल इस्तांबुल हलाल, क्या देख के खुशी हो रही है, दिल चाह रहा है मैं सारा मेन्यू ही ऑर्डर कर लूँ और दो दिन के लिए संभाल के साथ ले लूँ अपने। मैं भी कुछ विंग सिंग मंगवाता हूँ, मुझे तो शवारमा खाना है फॉर श्योर, साथ में फ्रेश जूस और साथ में कुछ भी अच्छा सा मंगवाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। मेरा शवारमा रैप हम्मस जूस सब आ चुका है। ओ माय, मज़े क्या आई वो, वाओ ऐसा लग रहा है फ्रेश मेलन खा रहे हैं, मज़ा। मैं खाने लगी हूँ खाना। वैसे मैं सोच रही थी कि अरीब ने ऐसे मजाक कर रहे हैं, मैंने कह रहा तुम्हें कहीं ले ही जाऊँगा, ले ही आए हैं, थैंक यू हस्बैंड यहाँ लाने के लिए स्पेशली। चलो जी गाइस, हम लोगों ने खाना खाना खा लिया था, अब हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ से। लेट्स गो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली होटल। अब आप कहाँ जा रहे हैं? पार्किंग यहाँ करनी पड़ेगी। अच्छा, पार्क इधर करेंगे, फिर एक और गाड़ी का वेट करेंगे जो हमें हमारे होटल के कमरे में लेके जाएगी। वाह वाह वाह, हेलमेट वो गया नहीं अरे, मैंने नहीं, मेहरबानी तो करो, अगर आप जिंदगी में बचना चाहते हैं तो मेरे से मत चलवाएं। कोशिश तो करो, चलें करो। मुझे पीछे बैठने से डर लग रहा है, आप मुझे कह रहे हो चला लो। अरीब ना, मैं गिरूंगी। इतना मजा आया आज स्कूटी में पूरा फुकेट घूमने का, फुकेट घूमने का। हमारी गाड़ी भी आ गई और हमारी गाड़ी आ गई है। ओए रन अरीब रन, गाड़ी आ चुकी है। लेकिन ये जो इतना सही पहाड़ी के जैसा ऐसे चढ़ना होता ना यार, बड़ा मुश्किल काम है ये। ऐसा लगा आपको बाइक पे घूम के? मैंने भी एंजॉय किया, ने बोला ना कैसे लगा बाइक पे घूम के, आगे तीन अंग्रेज बैठे थे, मुर्गी का कैसे दिखा, क्यों क्या कर रही है? व्लॉगिंग। चलते हैं जी अब अपने डेस्टिनेशन पे, उम्मीद करती हूँ आपको अब अपने घर चलते हैं ना, जो आजकल 4 दिनों के लिए हमारा घर बना हुआ है। पकड़ ले, मैं पता लगे यार स्लिप हो गई, अरे मैं असली में गई। नहीं नहीं गई मुलाकात होती है आपसे अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और अनीप को दीजिए इजाजत। बाबा चेक केयर, अल्लाह हाफिज़।